अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई। मेरे पास 3 अदद बड़े वाले टमाटर हैं, इसके मैंने छिलके उतार दिए हैं, और 1/2 किलो से ज़्यादा मेरे पास चिकन है। 1 कप मैंने दही का मैंने ऑयल डाल दिया है, 1 कप मैंने ऑयल डाला है। अब ऑयल थोड़ा गर्म होगा, इसके अंदर मैं चिकन डालूँ। तो मैंने ऑयल रखा है गर्म होने के लिए, ऑयल अच्छी तरह गर्म होगा उसके अंदर मैं चिकन डालूंगी। इस साथ मैं टमाटर काट रही हूँ, टमाटर की मैंने स्किन उतार दी थी। इसके अंदर प्याज नहीं डालूंगी, सिर्फ टमाटर ही डालूंगी। अच्छी तरह गर्म हो चुका है, इसके अंदर मैं चिकन डालने लगी हूँ। मुझे जितना ज़रूरत था मैंने उतना ही चिकन लिया है। आप लोग जितना मर्जी साइज कर लें चिकन, मैं तो इतने बनाने लगी हूँ चिकन कढ़ाई, जितना मुझे ज़रूरत है इतनी मैं बनाने लगी हूँ कढ़ाई। देखिए 5 से 10 सेकेंड बाद मैंने इसको फ्राई किया है। देखिए कैसे कितना अच्छा सा कलर आ रहा है। अब इसके अंदर मैं टमाटर डालूंगी, साथ सब्ज मिर्चें डालूंगी। मैंने टमाटर काटे हैं 2 से 3, मैंने सब्ज मिर्च ली है, ये मैं काटने लगी हूँ। ऐसे बड़ी वाली है, मोटी वाली मिर्च है। चिकन का कलर आ चुका है, इतनी अच्छी तरह कलर हो चुका है चिकन में। अब मैं इसके अंदर टमाटर और ये सब मिर्चें जो मैंने काटी हैं वो मैं डालने लगी हूँ। 5 मिनट बाद मैं इसको ढक्कन ऊपर रख दूँगी, इसका पानी टमाटर का खूब निकलेगा, टमाटर का पानी डालने लगी हूँ। सॉरी मैं भूल गई थी बताना, मैंने दही पहले डाला था उसके अंदर, चिकन के अंदर मैंने अच्छी तरह उसको डाल के तो उसका पानी सिकाया था दही का। अब उसके अंदर मैंने टमाटर डाल दिए, अब ऊपर मैं ढक्कन रखने लगी हूँ। उन बार के मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालने लगी हूँ। ये टमाटर का पानी खुशक हो चुका है अच्छी तरीके से, जैसे 5 सेकेंड तक मैंने लगाया था दम उसको। ये मैं स्पाइसी मसाले मिक्स करने सारे डालने लगी हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है, 1/2 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है चाट मसाला, 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है गरम मसाला मिक्स वाला, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है मैगी। अच्छी तरह खुशक हो चुका है, अब इसके अंदर मैं डालने लगी हूँ सारे स्पाइसी मसाले। कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, तो मुझे ज़रूरत थी मैंने उस हिसाब से मैंने डाली है सारे मसाले, मैंने डाली है थोड़ा सा मैं पानी डालने लगी हूँ, 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालूंगी, अच्छी तरह भूनूंगी। भून के फिर मैं थोड़ा सा इसके अंदर दही भी ऐड करूंगी, पहले भी मैंने दही डाला था, सॉरी मैं बताना भूल गई थी आपको, जब मेरा चिकन फ्राई हो रहा था तब मैंने 2 से 3 टेबल स्पून मैंने दही के डाले थे। अच्छी तरह मैंने दही का पानी सका लिया था, फिर उसके बाद मैंने डाला था टमाटर, डाले थे मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाली थी मैंने, वो आपको मैं दही वाला दिखाना भूल गई थी। तो देखिए 5 मिनट हो रहे हैं मैंने इसको भूनते हुए, देख कितना अच्छा भुने जा रहा है, ये ऑयल सारा अलग हो रहा है। थोड़ा थोड़ा मैं पानी डाल के इसको भून रही हूँ, साथ साथ 2 टेबल स्पून मैं पानी डाल रही हूँ। इतनी अच्छी तरीके से भून रहा है, ऑयल अलग से हो रहा है, इतनी अच्छी बात नहीं। ऐसे ढाबा स्टाइल में होती है कढ़ाई, चिकन कढ़ाई होती है रेस्टोरेंट में होती है कढ़ाई, वो इस तरह मैं बनाई है कढ़ाई मैंने। अब भुन चुका है, अब इसके अंदर मैं दही डालने लगी हूँ। 1 कप मैंने दही का लिया था, 1/2 मैंने पहले डाला था, 1/2 मैंने अभी डाला है। अब इसको मैं अच्छी तरह भूनूंगी, भून के फिर इसको मैं दम लगाऊंगी, फिर इसके बाद मैं डिश आउट करूंगी, फिर आपको दिखाऊंगी मैं कढ़ाई चिकन कढ़ाई। माशाल्लाह से ये देखिए कैसा ऑयल अलग हो चुका है। नमक जब मैंने डाला थे टमाटर डाले थे तब मैंने नमक डाला था, 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाला था, बाद में मैंने मसाले सारे ऐड किए थे। आप अपने हिसाब से डाल लेना अपने टेस्ट के मुताबिक, मेरा तो इतना ही बहुत था, 1 टेबल स्पून मेरा नमक काफ़ी था, मैंने नमक पर मेरी चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है। 5 मिनट मैंने दम लगाया है, अच्छी तरीके से हो चुकी है, बस अब मैं डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ। मेरा चिकन कढ़ाई रेडी हो चुकी है,
देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी लग रही है और कितनी प्यारी मज़े वाली लग रही है। किसी का कमेंट्स आया था कि आप चिकन कढ़ाई बनाना सिखाएं, मैं बताएं, मैंने आज उनको चिकन कढ़ाई बनाना दिखा दिया कि कैसे किस तरह बनाते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।